सो हे गाइस, करण या गाइस, हमारे चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है। सीरीज का नाम है सब्सक्राइबर ने प्रपोज किया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में भी वीडियोस आपको पार्ट वाइज करके मिलेंगी। ये सीरीज का पार्ट वन है। तो गाइस पार्ट वन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़की है इसने मुझे मैसेज किया था। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था ये मेरे चैनल की सब्सक्राइबर है, लेकिन बाद में मैटर कुछ और ही निकला। ये लड़की कोई और ही निकली, जो कि आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर मैंने पहले बता दिया तो आपका वीडियो पर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप वीडियो देखना पसंद नहीं करोगे। तो आपको सारी जानकारी वीडियो पे ही मिलेगी। तो चले गाइस पार्ट वन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रैंडमली ये लड़की मुझे मैसेज करती है, कहती है हाय। मैंने कहा हेलो। तो कहती है करण मेरा नाम नेहा है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो कहती वेलकम, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा थैंक यू। तो कहती मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ कहो ना। तो कहती एक्चुअली बात यह है कि मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। अब यहाँ पे ये मुझे डायरेक्टली ऐसा कहती है तो इसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से फ्रीज हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आगे मैं इससे क्या रिप्लाई करूँ, इससे क्या बातें करूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, जिनको लग रहा होगा कि कोई भी रैंडम लड़की डायरेक्टली ऐसे मैसेज करके नहीं कह सकती है। तो गाइस ट्रस्ट करना ना करना ये आप पे डिपेंड है। मेरा काम है आप तक सारी वीडियोज पहुंचाना। जो भी हमारे बीच बातें होती है मैं आपसे सारी चीजें शेयर करता हूँ, तो बस मेरा यही काम है। बाकी आपका काम है, आपको ट्रस्ट करना है, करो नहीं करना भाई इस पे कोई ये नहीं है। मैं कोई आप पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट करना ही होगा कि ये रियल है, ठीक है। आप ट्रस्ट ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस उसके बाद जब इसने कहा मुझे ना आपसे प्यार हो गया, तो मैंने कहा व्हाट। तो कहती यस आई थिंक आई मीन लव विथ यू। मैंने कहा सॉरी बट आई कांट एक्सेप्ट यू। तो कहती है पर क्यों। मैंने कहा क्योंकि मुझे किसी के रिलेशन में नहीं आना। तो कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, ट्रस्ट मी अच्छी लड़की हूँ। मैंने कहा मैंने आपको बुरा नहीं कहा, बस मैं किसी के रिलेशन में नहीं आ सकता। तो कहती है अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं किए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने कहा अरे पागल हो तुम। तो कहती है हाँ हूँ पागल, सिर्फ आपके लिए। मैंने कहा ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। तो कहती है नहीं प्यार कर रही हूँ आपसे, आई लव यू सो मच। मैंने कहा एक बात बोलूं। कहती है हाँ बोलो। मैंने कहा मुझे किसी को ब्लॉक करना ठीक नहीं लगता, पर तुम लिमिट क्रॉस करोगे तो शायद मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़े। तो कहती है ओहो गुस्से में तो और भी क्यूट लगते हो। मैंने कहा मैं लास्ट बार कह रहा हूँ ब्लॉक कर दूंगा। जनरली तो ये लड़कियों का डायलॉग होता है, लेकिन इस लड़की की वजह से मुझे ये मारने का सौभाग्य मिला है। तो कहती है अरे नो नो ब्लॉक ना करो। मैंने कहा फिर लिमिट में रहो। तो कहती है ओके वैसे मैं आपकी फ्रेंड तो बन सकती हूँ, इसके लिए मना मत करो प्लीज। मैंने कहा ओके। तो कहती है सच्ची। मैंने कहा हाँ बट ओनली फ्रेंड ही रहना, आगे कुछ भी मत सोचना वरना हर्ट हो जाओगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया मैं रिलेशन में नहीं आ पाऊंगा। तो कहती है ओके ओके सिर्फ फ्रेंड। मैंने कहा ओके। तो फिर ये स्माइल करती है, कहती है क्या हुआ बोलो कुछ, क्योंकि मैं खामोश हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या बात करूं। क्योंकि जब भी कोई रैंडम लड़की ऐसे आपको मैसेज करे डायरेक्टली आपसे कहे कि वो आपसे प्यार करती है, तो शायद उस वक्त आपको भी ये समझ ना आए कि आप उसका क्या रिप्लाई करो। तो गाइस मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी उस मैसेज का क्या रिप्लाई करूं एंड मैं आगे इससे क्या बात करूं, तो इसलिए मैं खामोश था। तो ये कहती है क्या हुआ बोलो कुछ, तो मैंने कहा तुम ही बोलो। और गाइस मैं आपको भी बता दूं कि आपको भी अगर कभी भी कोई रैंडम लड़की ऐसे ही मैसेज करके आपको अगर डायरेक्टली प्रपोज करे तो गाइस आप उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट मत कर लो। सबसे पहले तो आप ये पता करो कि आखिर लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर वो क्या चाहती है, क्यों आपको डायरेक्टली मैसेज करके प्रपोज करी है। सारी चीजें आप पहले क्लियर कर लो, उसके बाद ही आप उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप सारी चीजें क्लियर नहीं करते हो और अगर आप उसे जल्दबाजी में एक्सेप्ट कर लेते हो तो हो सकता है कि बाद में आप किसी बड़े स्कैम में फंस जाओ। तो गाइस मेरी रिकमेंड यही होगी कि गाइस आप सबसे पहले जान लो लड़की का बैकग्राउंड, पता कर लो। अगर कोई भी रैंडम लड़की आपको अगर ऐसे मैसेज करे डायरेक्ट प्रपोज करे तो गाइस आप उसे जल्दबाजी में एक्सेप्ट ना करो। तो कहती है क्या हुआ बोलो कुछ, तो मैंने कहा तुम ही बोलो। तो कहती है आप दिखते भी बहुत स्मार्ट हो। मैंने कहा अच्छा कहां देखा तुमने। तो कहती है देखी हूं कहीं पर बताऊंगी नहीं। मैंने कहा एज योर विश। तो कहती है सबसे ऐसे ही बात करते हो क्या। मैंने कहा व्हाट यू मीन। तो कहती है इतना अकड़ क्यों रहे हो। तो मैंने कहा नहीं अकड़ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो कहती है अच्छा जी। मैंने कहा हाँ। तो कहती है आप अपने एक्स को मिस करते हो क्या। मैंने कहा भगवान को याद करने का टाइम नहीं मिलता तो उसे क्या याद करूंगा। तो कहती है अच्छा जी इतने भी जियो। मैंने कहा हाँ। तो कहती है एक सवाल पूछूं। मैंने कहा बाद में पूछना, अभी काम है मुझे तो बाद में बात करता हूँ ओके। तो कहती है दिन भर काम करते हो। मैंने कहा हाँ। तो कहती है ओके फिर जाओ। मैंने कहा ओके बाय। तो कहती है बाय। गाइस इसके आगे हमारे बीच क्या बातें हुई है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर अपलोड करूंगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी की भी कोई भी समस्याएं हैं और अगर आप में से कोई भी मुझसे बात करना चाहते हो तो गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है hurtless8594। तो गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं आपके हर मैसेज
का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए हर्टलेस, मैं हूं हर्टलेस बॉय करण, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।